सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जो है आज एक केवल रीजनिंग का एक मॉक अटेम्प्ट करेंगे। सो वी हैव 20 क्वेश्चंस राइट देयर और अभी टेस्ट में स्टार्ट कर दूंगा। तो वी टेस्ट के दौरान हम लोग कम बात करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलो टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, वी हैव टू गिव इन लाइक 14 मिनट्स। वी आर गिवन 14 मिनट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिटिंग है अभी, तो इसको रुक जाते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। एस ओपन है ई के लिए और एस ओपन है यहाँ पर किसके लिए, एक्स के लिए, ई के लिए। पहला बिल्कुल सही है, ई ओपन है जेड के लिए। तो ई वेयर इज ई, ई ओपन है डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू ओपन है जेड के लिए, तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ इक्वल है क्यू के लिए, ओ इक्वल है केवल पी के लिए और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रॉन्ग। एंड पी ओपन है ए के लिए, तो ओ और पी एक ही बात है, पी ओपन है बट ए के लिए, दिस इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। सम फ्रूट आर एप्पल, ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंजेस। तो नो फ्रूट इज एप्पल हम कहने, नो फ्रूट इज ऑरेंज नहीं, वी कांट इवन से सम फ्रूट इज नॉट एप्पल, सम फ्रूट इज नॉट एप्पल, सम फ्रूट इज नॉट एप्पल भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो दिस इज नीदर नॉर। नेक्स्ट है ऑल बॉल, फुटबॉल, नो फुटबॉल, हॉकी, ऑल हॉकी जो है वो टेनिस है। एंड सम टेनिस आर फुट, अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं। ऑल बॉल्स, ठीक है, बींग टेनिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो रिलेशन किसका नेगेटिव, फुटबॉल और हॉकी का, लेकिन बॉल तो टेनिस में जा सकती है ना, बिल्कुल सही है। सम टेनिस आर फुटबॉल, सम टेनिस जो है वो फुटबॉल है नहीं बट हो सकते हैं, तो फिलहाल के लिए ये गलत होगा। ऑल आई नोज बना दूँ, ओनली फ्यू नोज आर सेंसिटिव। एंड सम आईज आर नॉट ईयर्स, सम आईज आर नॉट ईयर्स, सो सम नोज आर नॉट सेंसिटिव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड पहला सही है। देन सम नोज बींग एयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम नोज बींग एयर इज अ पॉसिबिलिटी, येस ऑफ कोर्स, बोथ कैन बी ट्रू, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप, सारे नंबर ड्रॉप कर रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, the alphabet A. Four of the following like in a certain way, ठीक है, तो D कहाँ है, D एक छोड़ के आगे गए हैं और फिर दो छोड़ के आगे गए हैं, ठीक है। Q एक छोड़ के आगे जाओ फिर दो छोड़ के आगे जाओ, सही है। 9 एक छोड़ के आगे जाओ फिर दो छोड़ के, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं G है, G एक छोड़ के आगे गए और ये D, यही हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। अब यहाँ पर ना इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ें देख लिया करो, तो मैं कॉन्सोनेंट और सिंबल का पेयर लेके चलूँगा। कॉन्सोनेंट सिंबल, कॉन्सोनेंट सिंबल बट वॉवल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट सिंबल, कॉन्सोनेंट सिंबल बट वॉवल है, बिल्कुल। एक तो ये हो गया, और देखिए कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल, तो कॉन्सोनेंट सिंबल वॉवल, दूसरा ये हो गया, और कॉन्सोनेंट सिंबल वॉवल नहीं, सिंबल यहाँ भी है बट ये कॉन्सोनेंट नहीं है, फिर ये वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक ये हो गया हमारा। तो तीन हमारे पास इस तरीके के हो गए टोटल। ओके, अभी क्या है, इनको कर लेते हैं। 8 persons आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग, इन अ रो फेसिंग ईदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। 2 people आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी एंड द डायरेक्शन ऑफ सी इज एज सेम एज ए, ठीक है। तो दो लोग बैठे हैं एच और सी के बीच में, तो इस तरीके से बैठ सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसकी रफ शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सी और ए की डायरेक्शन जो है वो सेम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी और ए सेम डायरेक्शन। 8 persons से ई सिट एट वन ऑफ द पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ एच, बट अभी पता नहीं है ना एच नॉर्थ में देख रहा है या साउथ में देख रहा है, तो मैं इसको साइड में थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि एच के लेफ्ट में कहीं पर ही ई होगा। एंड ई, अच्छा एच को बोला हु फेसेस नॉर्थ, चलो बहुत बढ़िया, तो एच हु फेसेस नॉर्थ यानी कि ई जो है वो इस साइड कहीं होगा। ऑलराइट, डी हु फेसेस नॉर्थ इज द नेबर ऑफ एच एंड एफ, तो एच और एफ का नेबर कौन है, डी, डी हु फेसेस नॉर्थ इज द नेबर ऑफ एच एंड एफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से भी हो सकता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, मिनिममली अगर इस हिसाब से लेकर चलें तो ये तो है, तो डी और जो है वो एफ यहाँ हो जाएगा। एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए,
तो ए के राइट में थर्ड पर एच है, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के बारे में मिला, हु सिट एट वन ऑफ दी एंड्स, वन ऑफ दी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ठीक है, तो इस केस में एंड पे तो नहीं हो पाएगा, 2 3 4 5 6 7, नहीं इस केस में एंड पे तो नहीं हो पाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी गलत हो रही है। तो अगर मैं डी यहाँ ले लेता हूँ और एफ यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो एफ कहाँ देखेगा, अपसाइड, सॉरी डी कहाँ देखेगा, अपसाइड। डी हु फेसेस नॉट द नेबर ऑफ एच एंड एंड एफ, एच और एफ का नेबर है। ओके, तो ए कैन बी हेयर एंड ए फेसिंग नॉर्थवर्ड, तो बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड, ठीक है। ए सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएगा। एफ एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एच, तो एफ यहाँ देखिएगा, बी रह गया है, बी सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, और बी भी कहाँ देखेगा, अपोजिट, ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, अभी ये सिचुएशन यहाँ पर जो है वो गड़बड़ होने लग गई। तो मैं अगर यहाँ पर ए ले लेता हूँ, ए डाउनवर्ड देखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में हो गया ये, और ठीक है, सी के एक दो तीन चार पाँच छः सात, सी के इमीडिएट राइट में यहाँ पर बी बना देते हैं, सी के एफ कुछ पॉइंट छूट रहा है, डी हु फेसेस नॉर्थ, ठीक है, ये भी हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ई जो है वो लेफ्ट हैंड पे बैठेगा, कोई भी एच एस टू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये भी वर्ड थर्ड टू राइट ऑफ ए, ये भी हो गया, डी हुई फेसेस नॉर्थ इज नेबर ऑफ एच, ठीक है, एंड एफ, ठीक है, एच एस टू थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, ए हु सिट एट द एंड ऑफ द रो, बिल्कुल ठीक है, एफ एंड बी ऑफ बी सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, जी के लेफ्ट में थर्ड पर होगा, तो ये ई हो जाएगा, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट, ठीक है, तो हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, के लेफ्ट में पहले दूसरा तीसरा, द पर्सन इज सी, एंड हाउ मेनी पर्सन वुड बी इन ई एंड ए, एक दो तीन चार, देयर आर फोर पीपल, एंड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिनोट्स सिटिंग एट द एंड्स, तो ए बी, हु इज द नेबर ऑफ बोथ ई और एच का नेबर जी, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट पे कौन है, देखो ई का ना केस क्लियर नहीं है, तो या तो वो सी हो सकता है या तो वो जी हो सकता है। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, टी आई ओ एन एस एच आई R S T U V W X Y Z H H I J K L M N O L M N O P Q R S T A B C D E F G H I V W X Y T U V W X I J K L M N O O P Q R S T S T U V H I और एन टू, तीन हो गए, एच एन जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर आई जी के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी एच एस टी जे के एल एम एन ओ, थ्री पेयर्स जो हम बन रहे हैं यहाँ पर। In the word charming, all vowels are arranged alphabetically and then consonant arranged alphabetically. ठीक है, तो A B C D A हो गया, I हो गया, alphabetically. Then उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा C D E F G H H I J K L M N O P Q R H I C G H G आ जाएगा, ठीक है, उसके क्या कह रहे हैं,
देन वॉवल्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर कॉन्सोनेंट बाय नेक्स्ट लेटर इन द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा जी है ना, तो कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस बाय नेक्स्ट जी के बाद अच्छा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 8% so have they delivered have to deliver lectures on 8th and 15th of 4 different months, ठीक है, जनवरी अप्रैल के बाद क्या था, जून के बाद अगस्त, 31, 30, 31, 31, ठीक है, डेट क्या क्या है, 8-15, 8-15, 8-15, 8-15. Not 2% given lecture in a month. Only 1% will deliver a lecture each day. K delivers his lecture on 8th of the month, which has 30 days. Yani ki K yahan ho sakta hai. Aur K jo hai wo yahan ho sakta hai. 3% deliver lecture with K and L. 1, 2, 3, L. O delivers the lecture immediate after L. O यहाँ हो गया, O यहाँ हो गया. Number of person who give lectures after O same as number of give lecture before P. ठीक है. Only 2% give lecture between P or M. Q and M give their lectures in the same month. Q and M. Okay. तो ये possibility cancel हो गई. तो ये Q आ जाएगा. ठीक है, अभी क्या रहेगा, एंड गिव लेक्चर बिफोर आर, ये हमारी डन हो चुकी है. हु डिलीवर द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर आर, आर से पहले पी ने लेक्चर दिया है. एंड हु गिव द लेक्चर्स ऑन 15th ऑफ अप्रैल को एम ने लेक्चर दिया है. देन हु अमंग द फॉलोइंग डजंट डिलीवर द लेक्चर इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, तो क्यू 30 को दे रहा है, एम 30 को दे रहा है, और के और एन भी 30 को दे रहे हैं. एल का जो है वो जनवरी में. हाउ मेनी लेक्चर्स वर डिलीवर्ड आफ्टर क्यू, क्यू के बाद 1, 2, 3, 4 and there are 5 total lectures are delivered after Q. Who give the lecture on 8th of August, that is P. ठीक है, ये हमारा हो तो गया है, 12 मिनट में कंप्लीट है. अभी ना मेरे को एक पजल हमारी आई थी ना, एक बार मैं इसको थोड़ा सा, मतलब वैसे ठीक ही है लेकिन थोड़ा सा ना एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक ही कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी एक बार क्रॉस चेक ही कर लेते हैं. ठीक, तो 2% आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी, 2% आर, बिल्कुल सही है. द कंडीशन ऑफ सी, सॉरी एंड द डायरेक्शन ऑफ सी एस सेम एस ए, बिल्कुल ठीक है. ई सीटेड वन ऑफ द एंड्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, वन ऑफ द एंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बिल्कुल ठीक है. हु फेसेस नॉट, एच फेसेस नॉट, डी हु फेसेस, हु फे हु, अच्छा डी जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, बिल्कुल ठीक है. नेबर्स ऑफ एच, एच का नेबर भी है और एफ का भी नेबर है, बिल्कुल ठीक है. एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए के, राइट में थर्ड, बिल्कुल ठीक है. ए के बारे में बोला उसे वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, बिल्कुल ठीक है. एफ एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एच, एफ एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू, ठीक है, एफ एंड बी अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ई, बिल्कुल ठीक है. बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है. एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट एंड थर्ड एग्जैक्टली, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अभी हम लोगों के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सबमिट करते हैं हम उसको, देखते हैं क्या रहता. ओके, लगता है कोई ठीक है, परसेंटाइल तो अच्छी आई है हमारी. एक क्वेश्चन कोई गड़बड़ हुआ है, कोई एक क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो गया है. वन सेकेंड, कोई क्वेश्चन एक गड़बड़ हुआ है. वी नीड टू गेट इनटू द सॉल्यूशंस, कुछ मार्किंग में गड़बड़ हुई है. कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, 19th क्वेश्चन गड़बड़ हो गया. रिलेशनशिप हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग तो अच्छी की थी, तो मोर देन 4 आ रहे हैं फिर इसमें. ठीक है, एर, चलो ठीक है, मैं वैसे भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड करता हूँ. चलो ठीक है, फाइनल हमारा ठीक रहा, अच्छा सब कुछ ठीक है. चलो थैंक यू. मेन चीज़ क्या है ना, आपकी परसेंटाइल जो है वो 95 से ऊपर आनी चाहिए, मतलब 90 से ऊपर तो होनी चाहिए परसेंटाइल.